VFX आएगी फिर चली जाएगी, एक्शन फिल्में कमाएंगी, बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जो फिल्मों के नाम पे, एक्शन फिल्मों के नाम पे हमको लाइफ टाइम मेमोरी दे दिए हैं। और वो स्टार जो है ना, वो रियल एक्शन हीरो है। और सोचो आजकल हर कोई जहां एक्शन फिल्म बना रहा है, वहां पे अगर रियल एक्शन हीरो आया तो क्या होगा। हम तो पहले से प्रिडिक्ट करके बैठे हैं, रिकॉर्ड बनेंगी नहीं, ढहेंगी। और कोई कितना बड़ा भी रिकॉर्ड बना ले, ऋतिक रोशन उसको ढा देंगे ढा। पता है, बस एक टीजर आया है जिसका नाम है फाइटर, मात्र 1 मिनट 14 सेकंड का है। और वो 1 मिनट 14 सेकंड में सबको साबित कर दे कि नहीं भैया, हम पानी में लड़ाई नहीं करेंगे, ना हम धरती पर लड़ाई करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे, विचित्र करेंगे, क्योंकि हम सबसे अच्छे हीरो हैं। और वो फाइट करेंगे हवा में। और भाई साहब, एक्शन सीन देख के आपके रूह से आवाज आएगा, अपने ऋतिक भाई के सामने कोई टिक सकता है क्या। अब देखो दोस्त, टीजर में इस चीज को रिवील कर दिया गया है कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस फिल्म का लेवल, इस फिल्म का एक्शन और इस फिल्म में कितना बड़ा धमाका होने वाला है। कि इस फिल्म के निर्माता, मतलब फिल्म बनाने वाले वही हैं जिन्होंने पठान बनाया था, जिन्होंने वार बनाया था, उन्होंने ही फाइटर बनाया है। तो फाइटर के लिए आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। क्योंकि जब इतने छोटे स्क्रीन में इतना छोटा सा ड्यूरेशन वाला टीजर देखते हैं तो दिमाग में हर तरफ ब्लास्ट होने लगता है। और हमको लगता है कुछ, मतलब दिमाग से परे ही देख लिए। तो जरा सोचिए कि इस चीज को 3 घंटे जाकर जब थिएटर में देखिएगा तो होली, दिवाली, छठ सब थिएटर में ही आ जाएगा और कान आपके फट जाएंगे, इतना ज्यादा एक्शन होने जा रहा है उस फिल्म में। यार हम जानते हैं फाइटर प्लेन बहुत तेज उड़ता है, इतना ही नहीं हम ये भी जानते हैं कि ऊपर उड़ के लड़ाई करता है। लेकिन माय गॉड, इस तरीके से लड़ाई, इस तरीके से स्टंट, इस तरीके से उल्टा घूम के फाइट, मतलब सच अ माइंड ब्लोइंग सीन। मतलब ये सब देख के लगता है कि हाँ, इस बार तो कुछ हॉल में जाके नया एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। और थिएटर में जब ये 3D में दिखाया जाएगा तब समझ में आएगा कि भाई साहब 3D। और इसमें ही सबसे कमाल का चीज, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई साहब मतलब जब बजता है ना तो गूस बम्स आ जाता है पूरे शरीर में और पूरा देशभक्ति वाला फील आ जाता है ना। इस फिल्म में इस कटोरा छाप पाकिस्तान से लड़ाई ना हो, नहीं तो फिल्म देख के ही आधा आर्मी रिजाइन करके भाग जाएगा कि बाप रे, ये लोग जब फिल्म में इतना तगड़ा बना सकते हैं तो जब रियल में फाइट होगा तो पता नहीं क्या होगा। देखो, SRK ने बॉलीवुड का गोल्डन टाइम शुरू कर दिया था, लेकिन इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है अब सुपर स्टारों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है। जैसे आपने देखा होगा पठान, जवान, एनिमल, और अब जाके आपके सामने ये फिल्म देखने को मिले जिसका नाम फाइटर, हीरो के तौर पे ऋतिक रोशन, और कॉन्सेप्ट फिल्म की ये, मतलब सच अ माइंड ब्लोइंग मूवी। खैर, आप इसको देखने के लिए कितना एक्साइटेड है नीचे कमेंट में बताइए, और इस टीजर का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा ये भी बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।